चीज में बहुत इजी है आजकल गर्म हो रहे पानी जरूर आता है पानी ठीक है पानी वाटर बोलते हैं इंग्लिश वाटर पानी हिंदी और उज़्बेक में क्या बोलेंगे हम लोग वो भी इजी है उज़्बेक में सू एक बार सू बस This is a new and beautiful mosque of Tashkent, and you know it has built 2014. This all stuff brought from Europe and Asia. For example, this marble all from Italy, and inside you can see there is a fortress. It's from Belarus. There is a carpet. You can see it's maybe you have seen right. It's from Iran, and it's a single piece in the wall. ये उज़्बेकिस्तान का मीनार मॉस्क हम लोग वाइट मॉस्क बोलते हैं जैसे सफ़ेद मस्जिद बोलते हैं इस मॉस्क में जैसा आप देख सकते हैं इसका स्टाइल डिज़ाइन यूरोपियन सॉरी ईरानियन स्टाइल में बना हुआ इसके इंटरनल टॉम एक्सटर्नल टॉम शक्ल में बना हुआ ऐसा जैसा ताजमहल के कंपेयर कर सकते हैं इसका बनावट इंडिपेंडेंस स्क्वायर के अंदर मेमोरी स्क्वायर में आ गए और जो आप देख रहे हैं ये मॉन्यूमेंट उसको यहाँ के लोग सेड मज़र बोलते हैं ये तो एक सिंबॉलिक माता है ये जनता की देख रहे हैं कि ये थोड़ा दुखी हुई माता है और सामने एक आग जल रही है आपको भी मालूम है कि सोवियत यूनियन के दौरान में जर्मनी और सोवियत यूनियन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई थी 1941 में और वो 1945 तक चालू हुआ था और उस जमाने में उज़्बेकिस्तान से भी 15 लाख लोग लड़ाई करने गए थे वो सोवियत यूनियन की तरफ से और उनमें से जो 15 लाख लोग गए उनमें से सिर्फ 9 लाख लोग वापस आ पाए बाकी 6 लाख लोग या मर गए या गुम हो गए इसलिए इसका मतलब ये होता है कि ये माता अपना बेटे की इंतज़ार कर रही है और जो लोग मर गए हैं उनकी याद के लिए ये आग हमेशा चालू रहती है 24 घंटे चालू रहती है